यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। बिहार का चुनाव जहां पर डेट फाइनल हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों का उपचुनाव होना है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय अपने प्रत्याशियों से कर सकती है चुनावी सर्गीय के बीच में आज उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागरमऊ सीट विधानसभा 162 और आपको बताया चलिए कि शिलान्यास समय करोड़ों की स्वागत उन्नाव वासियों को दिया गया है। उन्नाव के विकास में जहां पर मील का पत्थर स्थापित किया जिसके उपक्ष का शिकार हो रहे उन्नाव में भी विकास कार्यक्रम में जहां पर झंडे लगाकर अपने राजनीतिक मंच को भी स्पष्ट किया। वंचित करने का कार्य लोग करते रहे और जब किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने संसद में बिल पास करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने और लागत का दुगना दाम देने के लिए 3 बिल संसद में पास करवाए, आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर के किस प्रकार का हायतोभाव चाहे हुए हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि संसद में पारित होने वाले 3 बिल किसानों की आमदनी को दुगना करने, किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने, वन नेशन वन मार्केट की परिकल्पना को साकार करने और किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेचेगा मंडी के बाहर उससे कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। लेकिन ये लोग जो अब तक बिचौलियों के कारण किसानों को जकड़ करके उन्हें लाभांश से वंचित करते थे, वे लोग चिल्लाहट मचा करके गुमराह करके अनावश्यक रूप से देश के माहौल को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को तो इन लोगों को तो ये जो विपक्ष के नेतागण हैं इन लोगों को तो इस बात में बुरा लगता है कि कश्मीर से धारा 370 क्यों समाप्त हो गई, यानी इनकी राष्ट्रीयता पर और राष्ट्र भक्ति पर भी मुझे कभी कभी संदेह होता है किस प्रकार की टिप्पणी ये लोग करते हैं। जब किसी बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तब भी इन लोगों को बुरा लगता है और इसी प्रकार से जब किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में सरकार कोई निर्णय लेती है ये लोग कुछ ना कुछ विघ्न बाधा पैदा करने का प्रयास करते हैं और उस विघ्न और बाधा को दूर करने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा और उस जागरूकता के ही क्रम में आज मुझे बागरमऊ में आप सबके बीच में आना पड़ा है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन